पहले से ही जातीय जनगणना कराने के संबंध में पिछोपेश की स्थिति में थी। इसी को लेकर के बिहार में एक सर्वदलीय नेताओं की एक दल माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। प्रधानमंत्री बहुत संदिग्धता से सवाल को सुने, कुछ क्वेरी भी किया, उसका हम लोग समाधान किया दिया। हम लोग आसान भी थे कि प्रधानमंत्री हम लोगों के दलील को समझ के जाते हुए निर्णय कराने का आदेश देंगे या निर्णय लेंगे। लेकिन कल से पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने एक हुक्मनामा जारी करके कह दिया है कि यह संभव नहीं है। यह एक दुखद प्रकरण है, खास करके अभिवंचितों के लिए, गरीबों के लिए, शिविकास के लिए, आदिवासी किसों के लिए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि हमारा कंसेप्ट है, हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सा लेने की बात है, घर में बैठ करके हम लोग स्वतंत्रता का लाभ ले रहे हैं, आज़ादी का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिसकी आबादी कम है वो ज़्यादा ले लाभ और जिसकी ज़्यादा आबादी है वो कुछ नहीं लाभ ले। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, और जातीय जनगणना बहुत पहले से नहीं हो पाया है, अंग्रेजों के समय में हुआ था, स्वतंत्रता के समय में भी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।